हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। लास्ट क्लास हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हुई थी, उसमें हमने लास्ट साइकोडायनेमिक थियरी की थी जो हमारे सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। अब फ्रॉयड ने उस थियरी के साथ जो हमारी तीन चीज़ें थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, उसके साथ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस मतलब किसी चीज़ से बचना। अब वो कोई भी गिल्ट हो सकता है, कोई भी एंगर की सिचुएशन हो सकती है, या कोई रियलिटी होती है जिससे हम बचना चाहते हैं, उससे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उन डिफेंस मैकेनिज्म में कई सारी चीज़ें थी, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी सप्लीमेशन। सब्लिमेशन जो होता है वो हमारी सबसे कंप्लीट और सबसे पॉजिटिव फॉर्म कही जाती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारा एक अनएक्सेप्टेबल कोई बिहेवियर होता है या अनएक्सेप्टेबल कोई भी स्टिमुलस होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक एक्सेप्टेबल थिंग में, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कोई ऐसा हमारा वीक पॉइंट, उसको कन्वर्ट करना हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल क्रिकेट में अच्छा नहीं है, तो वो उस चीज़ को छोड़ के जिस चीज़ में वो अच्छा है उसमें अपना सारा कंसंट्रेट करे। या फिर कोई इंडिविजुअल है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो जिस चीज़ में अच्छा है वो उसको कन्वर्ट करे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, ताकि जो उसकी जो अनएक्सेप्टेबल थिंग थी, अनएक्सेप्टेबल ट्रेट था, वो कवर हो सके एक एक्सेप्टेबल ट्रेट से। ये हमारा सब्लिमेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी हमारे आएंगे डिफेंस मैकेनिज्म, वो आएंगे हमारे अनएक्सेप्टेबल वाले। सेकेंड हमारा आता है डिनायल। डिनायल का जो सिंपल मीनिंग भी होता है, किसी चीज़ से इनकार कर देना। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जब हमने कोई गलती कर दी होती है, या कुछ भी ऐसी बात कर दी होती है जब हमसे पूछी जाती है, हम सीधा सीधा उसका इनकार कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उससे कुछ चीज़ टूट गई, तो आप उससे पूछने जाओगे, अगर उसने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं तोड़ी है, मतलब उसने उस चीज़ के लिए सीधा मना कर दिया, मे बी उस चीज़ से डिस्टेंस करने के लिए, या फिर कि मेरे को डांट पड़ेगी तो उसके डर से। या फिर कोई इंडिविजुअल है जो ड्रग कंज्यूम करता है, आप उससे पूछने जाओगे तो वो एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, वो डिनाई करेगा। तो वो आपकी कंडीशन होती है डिनाइल की, जहाँ पर सीधे सीधे उस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है। डिनाइल के बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन हमारा वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें इंडिविजुअल उस सिचुएशन से बचने के लिए अपने चाइल्डहुड लाइफ की चीज़ें या फिर वो जो हरकतें थी वो अडेप्ट कर लेता है। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गलती कर दी, आप उसको उस बात से आपको डर लगता है, तो जैसे बचपन में होता है कि आप सोते सोते बेड को वेट कर देते हो, तो वो कंडीशन हो जाती है। या फिर अगर आप जानबूझ के करते हो, बचपन में आपको कोई डांट पड़ती थी, आप बचने के लिए रोने लग जाते थे, तो बड़े होकर जब आपको लगता है कि शायद अभी मेरे को डांट पड़ने वाली है, तो आप वही चाइल्डहुड वाली हरकतें करते हो, तो वो होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन के बाद आता है आपका नेक्स्ट रिप्रेशन। रिग्रेशन में तो क्या था कि आप वापस से अपने चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट में जाते हो। रिप्रेशन में क्या होता है कि कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो आप याद नहीं करना चाहते, हालांकि वो आपके ब्रेन में होता है, बट आप अपने आप से ही एक झूठ बोलते हो कि नहीं, मेरे को उस चीज़ को याद नहीं करना है और मेरे को ये चीज़ याद नहीं है। मान लो कोई चाइल्डहुड में आपके साथ ऐसी चीज़ हुई हो, मे बी आपको सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया हो, या फिर अगर आप चाइल्ड लेबर करते थे तो आपको बहुत मारा गया हो, या कुछ ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई बट आप उसको भूलना चाहते हो, वो कंडीशन आती है आपकी रिप्रेशन में। एक ऐसा चीज़, एक ऐसी चीज़ जो आपके कॉन्शियस माइंड में है, बट आप उसको आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में रखना चाहते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हो। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है थ्रोइंग आउट। किसी दूसरे को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई भी गलती हुई, आपने कुछ भी, वही सेम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपने कोई चीज़ तोड़ दी, आप
आपके घर वाले आपसे आके पूछते हैं तो आप क्या करते हो, आपने भाई बहन पे उसका ब्लेम डाल दिया कि नहीं मैंने नहीं किया इसने कर दिया, मतलब वो गलती जो आपने की थी उस बिहेवियर के लिए आपने किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बता दिया, अपना वो जो गलती आपने की किसी दूसरे पे डाल दी, वो होता है आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रैशनलाइज करना, बैलेंस करने के लिए। कोई एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ आपने की, अब उस अनएक्सेप्टेबल चीज़ को कवर करने के लिए आप कोई एक्सेप्टेबल चीज़ करते हो, ताकि आप उससे मे बी उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए या फिर उस चीज़ को कवर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सलमान खान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक टाइम था उसने उस पर वो जो टाइगर हंटिंग का केस हुआ था, उसके बाद उसने बहुत सारी चैरिटी की, बींग ह्यूमन की जो ब्रांड आई उसने बहुत सारा डोनेशन दिया। तो जितनी बार भी उसकी कोर्ट में जब उसको बुलाया जाता था तो उनके जो वकील होते थे वो यही बात बोलते थे कि उस टाइम पे जो उसने गलती की उसके बाद उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो उनको भी तो कंसिडर किया जाए। मतलब वहाँ पे भी एक अनएक्सेप्टेबल एक्ट को कवर करने के लिए एक एक्सेप्टेबल एक्ट किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल ने कोई गलती की, उसको कंपनसेट करने के लिए वो डोनेशन कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये होता है आपका रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन आपकी डिफेंस मैकेनिज्म की वो कंडीशन होती है जब आपका जो रियल इमोशन है आप वो नहीं दिखाना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो बट आप अपनी फैमिली के सामने नहीं दिखाना चाहते, आप एक फेक स्माइल करते हो। तो जब आप अपनी रियलिटी को छुपा के एक फेक एक्सप्रेशन, एक फेक इमोशन को दिखाते हो, वो आता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में होता है जो आपकी रियल फीलिंग होती है जिस इंडिविजुअल के लिए आप वहाँ पे नहीं शो कर पाते हो, तो आप उस चीज़ को कहीं और पे निकाल देते हो। जैसे अगर आपको आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया, आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है बट आप अपना गुस्सा उनके ऊपर नहीं दिखा सकते, तो क्या करोगे, आप चीज़ें तोड़ोगे या फिर किसी और पे जाके गुस्सा निकालोगे। ये डे टू डे लाइफ में होता है कि आप कंपनी में गए अपनी में, वहाँ पे आपके बॉस ने आपको डांट दिया बट आप उनको तो कुछ नहीं बोल सकते, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं पे निकालते हो, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है डिफेंस मैकेनिज्म, वो आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में होता है जब आप किसी और इंसान की तरह बनने की कोशिश करते हो। आप स्कूल में गए, आप छोटे थे, आपने अपने टीचर को देखा वो आपको कैसे पढ़ाते हैं, घर आके फिर आप खेल खेल में एज अ टीचर दिखाते हो, अपने भाई बहनों के साथ खेलते हो कि मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। मतलब जहाँ पे आप दूसरे को आइडल समझ के या फिर सिर्फ वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप वो करना चाहते हो, वो होती है आइडेंटिफिकेशन। इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों में, तो खासकर जो भी वो खेल खेलते हैं, डॉक्टर का खेल खेलते हैं या कोई भी खेलते हैं, वो एक आइडियलाइज करते हैं एक पर्सन को, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। ये आपके 9 से 10 आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म थे जो आपके सिगमंड फ्रूड की थियोरी से निकले थे। इसके बाद हमारी लाइफ की स्टेजेस आती हैं जो हमारी इन्फेंसी नहीं बल्कि जो आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है, कंसीव करने से लेके डेथ तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, थैंक यू।